एक एक करके सिंपली पूरी यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है। आपको फ्रंट लुक दिखा दूं अपनी ग्रिल की, तो ये DRL जो लुक आती है ना, ये बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है अपनी लुक को। ये कुछ लुक आती है अपने इंडिकेटर के ऊपर देखने के लिए, पर इस तरीके से यूज आता है अपना डोर हिंज का यहाँ पर ये कुछ लुक आती है यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश टाइप के अंदर लुक मिल जाएगी। फिटमेंट लुक कितनी एक्यूरेट मिलने वाली है। ये कुछ अलग से आपको दिख रहा है थाई सपोर्ट जिसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। इसमें मल्टी ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐप के थ्रू सिंपली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 3500 स्टार्टिंग है बेसिकली अपने आर्मरेस्ट की, 5000। तो भाई ये कुछ लुक आती है यहाँ पर स्कैनिंग ऑन होने पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सोचे ब्लॉग्स में सर। भाई आज मार्शल थार इसके अंदर दिखाने वाले कुछ अल्टीमेट लेवल की मॉडिफिकेशन, ग्रिल में क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल शॉट्स आपको दिखाऊंगा। कस्टमाइज स्पीकर इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, इंटीरियर का ऑप्शन मिल जाता है और सारा काम हो कहाँ पर रहा है भाई पहले वो दिखा देता हूँ। ऑटो मैजिक कार डेकोर अपने हिमांशु भाई के पास। तो भाई क्या कुछ लेके अपने थार वाली ऑडियंस के लिए आज? आज फ्रंट ग्रिल ठीक है भाई, ड्रैगन DRL प्रोजेक्टर। तो बेसिकली फ्रंट लुक ना बहुत ज्यादा यहाँ पर एनहांस कर चुके हैं। पहली बात जो इसमें अपनी करी ना भाई इंस्टॉल हेडलाइट, तो ये ड्रैगन वाली रहने वाली है, इसकी लुक भाई बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। प्लस ये अपनी DRL वाली ग्रिल इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है ठीक है। इसमें अपने 7 स्लॉट बड़े सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे, एंग्री बर्ड मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें DRL में जो अपग्रेड कर रखा है अपनी आफ्टर मार्केट, जिसमें आपको इंडिकेटर फीचर भी मिल जाता है ठीक है। भाई एक बार ऑन कर देना हेडलाइट को, तो इसकी भाई ऑन करने में आप लुक पे थोड़ा ध्यान देना किस तरीके से ऑन होगी यहाँ पर। तो भाई ये देखो एक एक करके सिंपली पूरी यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है, स्कैन होके ऑन होती है। हाँ, स्कैन होके सिंपली यहाँ पर ये ऑन होती है। उसकी लुक ना वही कुछ और अच्छी लग रही है, रोशनी भी तेज है और तेज है। लाइट से रोशनी इसकी तेज है। मतलब जो रैंगलर उनसे अच्छी रहती है, इसकी रोशनी तेज है, ये प्रोजेक्टर है ठीक है। और ये अभी सिंपली यहाँ पर ऑन हो चुकी है, तो कितनी बढ़िया लुक लग रही है। प्लस आपको फ्रंट लुक दिखा दूं अपनी ग्रिल की, तो ये DRL जो लुक आती है ना, ये बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है अपनी लुक को। नाइट ड्राइव के टाइम पे ना इसकी जो लुक आएगी भाई, मतलब कुछ अलग ही आती है। जैसे हम स्पॉट लाइट अलग से लगाते हैं ना, उससे अच्छी ये लगी आती है। इस वीडियो के अंदर एक आपको ग्रिल और दिखा दूंगा जिसके अंदर हमने DRL अलग से इंस्टॉल कर रखी है ना भैया ने पहले से, वो छोटी छोटी DRL जिसको बोलते हैं, उसकी लुक भी येलो के अंदर रहनी है, लेकिन ये पूरी ओरिजिनल फेस देती है। और प्लस फ्रंट लुक बहुत ज्यादा यहाँ पर ये एनहांस कर चुके हैं, तो बल्कि लुक लग रही है। एक इसमें अपना बम्पर बस चेंज होता है ना, तो उसके बाद तो अलग लेवल की पूरी लुक आती है ना। बम्पर इनको करवाना था, लेकिन ये ओवरलैंड वाले इनको बम्पर पसंद आया। अच्छा, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने पास रैंगलर सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। उसकी लुक मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है उसकी रैंगलर वाले की ना। रैंगलर वाली इनको चाहिए नहीं था, ओवरलैंड इनको पसंद आया, बट वो कह रहे एयरबैग का दिक्कत है इसमें। उसमें तो एयरबैग का दिक्कत आता है देखो भाई वाला, इसलिए हम रिकमेंड करते भी नहीं ठीक है। यहाँ अगर बात करें DRL, तो अपनी पार्किंग फीचर पे लुक मिलने वाली है। इसमें इंडिकेटर देना भाई एक बार। तो भाई ये कुछ लुक आती है अपने इंडिकेटर के ऊपर देखने के लिए, प्लस आपकी हेडलाइट के अंदर भी इंडिकेटर फीचर आपको देखने मिल जाएगा। तो ये पूरी लुक एनहांस कर रहा है फ्रंट लुक की। फॉगलाइम में प्रोजेक्टर लगाया हमने, प्रॉपर ये ब्रैकेट लगा के। तो भाई ये कौन सा कुछ फॉगलाइम इंस्टॉल करा है इसके अंदर? इसमें हमने AES का प्रोजेक्टर लगाया ठीक है, AES प्रोजेक्टर। और फिटमेंट देखो कितनी एक्यूरेट आपको मिलने वाली, टक टू टक फिट मिल रही है। ब्राइटनेस रिस्पॉन्स भाई दिखाना, डे टाइम पे कुछ मिल रहा है तो दिखाया था भाई कितना रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी ये ट्राई कलर के अंदर मिलने वाला देखने के लिए, तो फ्रंट रिस्पॉन्स अभी इतना पता चलेगा नहीं मेरे हिसाब से, डिफरेंस माइनर पता चलेगा। तो इसमें भाई येलो, वार्म व्हाइट, प्योर व्हाइट तीनों वैसे मिल जाते देखने के लिए ठीक है, तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी साइड फेस की बात करें अपने डोर हिंज लगा साइड फेस में, खोलना भाई इसको एक बार। तो भाई ये देखो ऐसी उस लुक आती है, चढ़ जाओ भाई इसके ऊपर अब एक बार। तो भाई ये देख लो आपके सामने ही, तो प्रॉपर इस तरीके से यूज आता है अपना डोर हिंज का यहाँ पर। जैसे अपनी ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपको रूफ के ऊपर चढ़ना है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर ये काम आएगा और लुक भी और ज्यादा एनहांस कर देता है। जो आपकी कंपनी के गेट्स के स्क्रू होते हैं उनके ऊपर ही वापस लग जाता है, उसके ऊपर ही लग जाता है ठीक है। वो सिंपली स्क्रू खुल गए और उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल करके पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ऊपर रूफ लाइट का ऑप्शन रहता है अपने पास, हमर लाइट या फॉलाइट दोनों मिल जाता है, जिनको लगवाने लगवा सकते हैं ठीक है, दोनों वेरिएशन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ वाला आपको क्रोम में चाहिए, मतलब उसमें चाहिए हो ग्लॉसी में या कार्बन में, दूसरे थर में लगा ठीक है, दूसरे वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहा है, उसकी लुक आपको दिखा दूंगा। बाकी चलो बैक एंड की तरफ आपको ओवरऑल बैक की लुक दिखाया था एक बार। तो बैक एंड की बात करें तो यहाँ पर अपनी टेल लाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये अपनी रहने वाली है एक्स डिजाइन के अंदर। तो अब इसके फाइनल शॉट्स में आपको ओवरऑल लुक दिखा दूंगा, कैसी वर्किंग मिल जाती है इसमें, अपना इंडिकेटर, ब्रेक, पार्किंग तीनों फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी नीचे रिफ्लेक्टर्स अपने इंस्टॉल करेंगे थार वाले, और इन बिटवीन में आपको एक थार और दिखा दूं जो यहाँ पर आ रखी है, और सारा काम भाई ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। इन बिटवीन में आपको एक थार और दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये रफ लुक है भाई। क्या कुछ कर रहे हैं इसके अंदर? ठीक है, नॉर्मल बम्पर के अंदर सिंपली अपनी फॉग लाइट्स में अपग्रेड कर रहे हैं, जिसका आउटपुट आपको बेहद बढ़िया मिल रहा है। ग्रिल लगा हुआ था, प्लस यहाँ पर देता भाई अपने DRL वाली लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल है ठीक है। ये 7 स्लॉट अगर किसी को चाहिए हो सेम आपको यहाँ पर मिल जाएगी, 7 स्लॉट मिल जाएगा, DRL स्टाइल से मिल जाएगा, जो कौन सा डिजाइन सिंपली आपको चाहिए आप बताओ भाई, अपना इंस्टॉल कर देंगे अपनी गाड़ी के अंदर। रिफ्लेक्टर लगाने अंदर स्टीयरिंग कवर ठीक है, बेसिक काम था इस गाड़ी के अंदर।
ठीक है भाई, किसी भाई को करवाना हो ओवरऑल हर एक चीज, आना कहाँ पर है भाई? लोकेशन बता दो भाई एक बार। ये सिटी हॉस्पिटल है सामने। ठीक है भाई, देखो वो रहा सिटी हॉस्पिटल अपना सामने, इसके सामने करीम रेस्टोरेंट है, साथ में रोड आ रही है, अंदर आते ही पहला दुकान अपनी। ठीक है भाई, फर्स्ट स्टॉप आपको मिलने लगा ऑटोमेटिक कार डेकोर। सिंपली अगर आपको काम कराना है कोई भी गाड़ी के अंदर महिंद्रा की, तो आप आ सकते हो भाई के पास। आपको यहाँ पर हेडलाइट के लुक दिखाता हूँ जो इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है, माइनस तो ऐसी कुछ लुक आया दी है, और फ्रंट की आपको ग्रिल की लुक मैंने आपको दिखाई दी थी, प्लस फॉग लाइट की फिटमेंट की बात कर ले बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलने वाली है। ब्राइटनेस का रिस्पॉन्स मैंने आपको बहुत वीडियो में दिखा रखा है। DRL अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, हमर लाइट का ऑप्शन, बड़े सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। जब आप ऑटोमेटिक कार डेकोर पे भाई आपको दिखा देंगे बड़े सारे वेरिएशन, थार आपकी यहाँ पर ना अल्टीमेट मॉडिफिकेशन होने वाली। तो भाई फाइनली यहाँ पर अपनी थार काम कंप्लीट हो चुका है, तो अपने यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया था, टेल लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं, और इन बिटवीन आपको एक गाड़ी और दिखाई है भाई, मतलब भंडार मिल रहा है थार का यहाँ पर आपको। हाँ तो वो वाली बीच में आपको डाल दिया मैंने क्लिप उसकी भी। बाकी बात करें कौन सी टेल लाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है भाई, एक्स डिजाइन टेल लाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है, इसको ऑन करना है एक बार, तो इसकी लुक दिखाता हूँ कैसी लुक मिलती है जब आप इसको ऑन करोगे। सिंपली मैट्रिक्स के अंदर रहने वाली है ये भी अपनी देखने के लिए, तो ये अभी ऑन हो रही है, और बाकी स्कैन होके ऑन होगी। तो भाई ये कुछ लुक आती है यहाँ पर स्कैनिंग ऑन होने पे। इसमें इंडिकेटर देना भाई एक बार, तो इंडिकेटर पे भी लुक दिखाता हूँ। तो भाई ये कुछ है इसकी इंडिकेटर की लुक जो आपको मिलने वाली है। मेरे हिसाब से इसकी लुक भी अच्छी लग रही है, बाकी जो और भी डिजाइन मिल जाते हैं उनकी लुक भी अच्छी लगती है। जितने भी टेल लाइट है, हेडलाइट है ना, सब लुक सब में टेल लाइट डिजाइन जितने भी और हेडलाइट डिजाइन जितने भी ना उनकी लुक अच्छी लगती है, बाकी आप पे डिपेंड है आपको कौन सा पसंद आ रहा है। ठीक है, नीचे बात करें भाई यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा है। ठीक है भाई, थार वाला रिफ्लेक्टर के अंदर इंस्टॉल कर रहा है, इसमें ब्रांडिंग मिल जाएगी थार लिखे हुए की। पीछे ऑप्शन होता है स्टेपनी कवर लगाने का, स्टेपनी लाइट लगाने का। ठीक है, बाकी पीछे भाई अपना यहाँ पर ऊपर किसी भाई को वो चाहिए हो जो रूफ कैरियर टाइप आता है, दोनों मिल जाएगा, एक हाफ वाली भी मिल जाएगा, फुल वाली भी। ओवरलैंड का आता है, किसका आता है भाई? वो ओवरलैंड का आता है। ठीक है भाई, बाकी चलते हैं कार के अंदर, आपको कार की ओवरऑल लुक दिखाता हूँ। सबसे पहले मेन चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भाई, मैट्स इंस्टॉल करे भाई, कस्टमाइज मैट्स करे। ये मैट इनको सीट कवर के हिसाब से चाहिए था, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, बनाया है ये, कस्टमाइज करेगा यहाँ पर। और ये कौन सी कुछ क्वालिटी में रहने वाले भाई? ये ऑटो फ्यूचर ब्रांड का है। ठीक है, ऑटो फ्यूचर ब्रांड का है, 70 ब्रांड, अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिलने वाली यहाँ पर देखने के लिए, इसकी प्रॉपर फिटमेंट रहती है। बाकी अगर बात करें सीट कवर्स की, तो यहाँ पर भाई ये कस्टमाइज करेगा सीट कवर्स, तो भाई कस्टमाइज सीट कवर इंस्टॉल कर रखे, फिटमेंट कितनी एक्यूरेट मिलने वाली है, स्क्रीनशॉट लेना आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा बहुत रिंकल रह जाता है, कस्टमाइज वो चीज नहीं आता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो ना, तो हेडरेस में कहीं भी टक टू टक फिट मिल रहा है। और प्लस यहाँ पर भाई ये अलग से पूरी इसके अंदर करी गई है पैडिंग, तो भाई ये कुछ अलग से आपको दिख रहा है, थाई सपोर्ट जो इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, पूरी अलग से कुशनिंग इसमें करी गई है। और कंफर्ट लेवल की बात करें बहुत बढ़िया कंफर्ट कुछ आ रहा है इसमें बैठने का, है ना? तो भाई ये कुछ डिजाइन इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। बाकी अगर बात करें भाई कलर ऑप्शन सारे मिल जाते हैं, कलर ऑप्शन सारे, जो भी कलर चाहिए आपको, जो भी डिजाइन चाहिए सारे अवेलेबल अपने पास। ठीक है भाई, कलर ऑप्शन सारे आपको मिल जाएंगे जब आप आओगे भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। डिजाइन को भी सिंपली नेट से निकाल के लेके आओ, कितना कुछ टाइम लगता है भाई कस्टमाइज होने में? टाइम कस्टमाइज होने में 4 से 5 घंटे लग जाते, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें भाई आमरस, आमरस पे भी कपड़ा चढ़ा है, तो भाई इसके अंदर आमरस नहीं आता, आमरस इंस्टॉल करा गया है यहाँ पर, इंस्टॉल करके इस पे कपड़ा चढ़ा है सीट कवर के हिसाब से। ठीक है, डिसेंट स्पेस मिल जाता है अंदर देखने के लिए यहाँ पर। बाकी ये कुछ लुक है भाई यहाँ पर, आपको पीछे बैठा दे भाई अपने हिमांशु भाई को, क्योंकि भाई आमरस की लुक दिखा दे भाई, पहले खोलना इसको एक बार। तो भाई ये देख लो, ये कुछ डिसेंट स्पेस में मिल जाती है देखने के लिए आपको, बंद कर देना भाई एक बार। इसमें मोटे मोटे 2000 का नोट आ जाएंगे पैसा ही पैसा। देखो और भाई ये कर रहा है, इसपे भी इंटीरियर करा, मतलब इसपे भी लेदर रैप करा गया इसके ऊपर भी। और यहाँ पर ये कुछ लुक आती है, यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश टाइप के अंदर लुक मिल जाएगी, कार्बन फिनिश में मिल जाएगा, पियानो ब्लैक मिल जाएगा, बहुत सारा आमरस। और भाई ये जो यूएसबी है वर्किंग रहती है, कैसी रहती है? वर्किंग है। ठीक है, ये वर्किंग यूएसबी इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पर आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी, और ये पूरा नीचे तक आता है अपना यहाँ पर। ये भाई ये होता कौन सी उस क्वालिटी में? ये प्लाई होता है, लकड़ी। ठीक है, इसमें भी बड़े सारे वेरिएंट्स आते हैं अपने, है ना? इसमें हल्का वाला भी आता है, एक भारी वाला भी आता है, सिंपली जोन सा आपको चाहिए हिमांशु भाई को बता देना, और यहाँ पर अभी गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। तो ये कुछ लुक थी अपने यहाँ पर थार की, बाकी का कार के अंदर एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर आपको लुक दिखाता हूँ भाई। एसी वेंट इंस्टॉल करे इसके अंदर, एसी वेंट इंस्टॉल किया है। ठीक है, बाकी एंबियंस लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई ये टच वाले करे, कौन से करा? टच वाले नहीं करे, ये बिना टच वाले। ठीक है भाई, इसमें मल्टी ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऐप के थ्रू सिंपली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, प्लस अपनी फुट लाइट्स इंस्टॉल करी गई है। एम्बिएंट लाइट को इंस्टॉल नहीं करी इसके अंदर, आज एम्बिएंस लाइट भैया को चेंज तो ये करे, ये बहुत है। ठीक है भाई, किसी को एमएस चाहिए, एमएस की लुक ज्यादा और ज्यादा प्रीमियम लगती है कार के अंदर, जो इनहेंस कर देती है। बाकी इसकी फिटमेंट की बात कर ले भाई, ये कौन से वाले इंस्टॉल करे? हाइपरसोनिक ब्रांड के या फिर नॉर्मल वाले इंस्टॉल करे? कार्डी वाले की है। ठीक है, ऊपर से चिपकता है। ओके, ये कार्डी ब्रांड के सिंपली इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे। ये देखो भाई, ये आपका आता है पेस्टिंग स्कीन के अंदर, ये डबल टेप से चिपकता है, और हमने इससे पहले जितने भी थार में लगाया ना, वो
रिप्लेसमेंट वाला लगा रहा भाई। ये जो ब्लैक वाला पैनल है सिंपली ये पूरा रिमूव करके जेन्युइन दूसरा इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, तो फिटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलती है, अलग से कुछ लुक नहीं लगेगी। बाकी आपके चारों एसी वेंट सिंपली चेंज करे गए हैं, ठीक है भाई। स्टीयरिंग की बात कर ले, मून डिजाइन स्टीयरिंग कवर सिला इसमें, तो भाई मून डिजाइन स्टीयरिंग रैप, फिटमेंट लुक कितनी एक्यूरेट आपको मिलने वाली है, ये भी कहीं से आपको लूज नहीं आएगा। तो भाई प्रॉपर बॉश से पेश करके यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। बाकी भाई अगर बात करें ऐसे कुछ काम कराना, आना कहाँ पर है? ऑटोमैजिक कार्डेक और क्रोलबाग में। ये सिटी हॉस्पिटल है, उसके सामने करीम रेस्टोरेंट, उसके साथ में रोड आ रही है, अंदर रोड से अंदर आते पहला दुकान अपना ही है। इसके बेस मॉडल में जो ये रूफ 2x4 में जो रूफ कंसोल नहीं आता है, स्पीकर लगाने तो अभी लग जाएगा। जो अब वाले थार आ रही है उसके अंदर ये पूरा कंसोल नहीं आता, अपने पास ये वाला भी अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। सिंपली आप अपनी बेस वेरियंट यहाँ पर लेके आओगे तो कुछ बढ़िया क्वालिटी में अपने हिमांशु भाई आपको डील करके देने वाले है। तो भाई अगर बात कर ले सीट कितने से स्टार्टिंग होता है सपने? सीट कवर अगर स्टार्टिंग की बात करें तो थार का सीट कवर 5,000-5,500 के रेंज से स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन अगर बढ़िया वाला लगवाते थे 10,000-12,000-15,000 के रेंज में सीट कवर, ठीक है। और आमरस की बात कर ले भाई, आमरस 3,500 का, 4,000-4,500, ठीक है भाई, अलग अलग क्वालिटी अलग अलग 3,500 स्टार्टिंग है बेसिकली अपने आमरस की, ठीक है। अपना बैक एंड में आमरस अब देखने में मिल जाएगा। फिटमेंट की मैं फिर से दिखा दूं क्या कुछ क्वालिटी मिलने वाली है। पीछे अपनी ग्रिल रखी हुई है पुरानी वाली, ग्रिल की स्टार्टिंग कितने से चाहिए भाई? ग्रिल 5,000 रुपए स्टार्टिंग मिल जाएगी ग्रिल की भाई। सिंपली आपको आना है ऑटो मैजिक कार डेकोर पे, प्रीमियम क्वालिटी वर्क करना है तो ना भाई। तो भाई यहाँ पर अपने सारे प्राउड ऑनर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशव। आपका? शुभम। कहाँ से आए थे भैया? जम्मू से। तो जम्मू से यहाँ दिल्ली आना फायदेमंद हुआ नहीं हुआ? फायदेमंद। कैसी लग रही है गाड़ी अब? बहुत बढ़िया। मेरे को पर्सनली बताओ ना, जो लुक आ रही है इस टाइम ग्रिल और अपनी हेडलाइट की, एक नंबर लग रही है। तो ये सारे भाई थोड़ा शर्मा रहे, कह रहे हम रिव्यू नहीं देंगे। क्या हो गया भैया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा लगा काम है सारा? बहुत बढ़िया भैया। आपको बहुत जबरदस्त। 10 में से रेटिंग देनी हो अपने हिमांशु भाई को कुछ? 11 देंगे। ठीक है। और जो सीट कवर की फिटमेंट की बात करें, कस्टमाइज जैसे करे थे, अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे पसंद के बने हैं बिल्कुल। और कोई थार वाला भाई यहाँ पर आने की सोच रहा हो तो रिकमेंड है? ठीक है सर, ऐसे कर दो एक बार। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया ओरल मॉड्यूलेशन अपने थार के अंदर, और सारा काम हुआ भाई ऑटोमैजिक कार डेकोर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए थे दोनों हेडलाइट के, इसके अंदर ड्रैगन थी, दूसरे के माइनस रिंग वाला इंस्टॉल कर रखा था। बाकी ऐसा कुछ काम करना सिंपली आपको आना ऑटोमैजिक कार डेकोर पे। अगर वीडियो पसंद, क्या करना है सिंपली लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।